तो चलेंगे, समझ में आएगा 100%। देखिएगा, एक हमने लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक ये था, और एक ये था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये था। ठीक, एक काम करते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर लिया हमने, इसको क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया कि अगर मैं कोई चार्ज लेकर आऊं तो उसकी फोर्स की वजह से मूव ना करे, फिक्स कर दिया हमने। ये एक लाइन है, इस लाइन पर एक इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो इन्फिनिटी से क्यों लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी पर उस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, यानी आप जो वर्क करते हुए आएंगे वहां से, सारा का सारा वर्क कहाँ स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में ही स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आप एक क्यू चार्ज को, इस प्लस क्यू जो है स्मॉल क्यू चार्ज को इधर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर लेकर आए, आर डिस्टेंस तक आप लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आर डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हैं। ये बताइए, ये इस पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, हाँ या ना? क्या वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, हाँ या ना? क्योंकि लगा कौन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, वो है क्या, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो जो कंजर्वेटिव फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, यानी इसको एफ सी लिख सकते हैं क्या। जब आप इसको एक्स डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स मूव कराना चाहें, अच्छा इसका नेचर किधर है मूव करने का, अगर मैं यहाँ पे इसको रखूँ छोड़ूँ तो नेचर किधर है डिस्प्लेसमेंट, इसमें राइट में डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट में होगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इसको लेफ्ट में मूव कराना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, क्या वर्क डन फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, हाँ या ना? होगा। उसकी वजह से जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ हमें मिलेगा, डी एक्स मान लेते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम मान लें ये डिस्प्लेसमेंट इधर राइट में पॉजिटिव, जो इसका नेचुरल है, अगर मैं छोड़ दूँ तो राइट में जाएगा, राइट में पॉजिटिव, तो अगर मैं लेफ्ट में लूँ तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव माइनस डी एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब हम फाइंड कर रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और उसी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे जो फॉर्मूला हमने लिखा था। तो स्मॉल, अगर छोटा सा डिस्टेंस आप मूव करा रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, ये भी छोटा ही होगा, हाँ या ना? कितना होगा, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट इंटू माइनस डी एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल एजेंट के बीच में कितना एंगल है थीटा, वर्क डन इक्वल्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है, तो कॉस जीरो हो जाएगा। अगर ये लाइन यहाँ तक समझ आए तो बताइए, क्लियर है? एक चीज और, ये फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट मिनिमम कितना होना चाहिए, क्या वो मिनिमम एटलीस्ट एफ सी के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? बाउंड्री कंडीशन लेते हैं, एफ सी से हल्का सा 0.1 भी ज्यादा हुआ तो मूव करना शुरू कर जाएगा। तो इस कंडीशन में 11th में याद होगा हम बाउंड्री कंडीशन लेते थे कि मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हम क्या लेंगे, सॉरी फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या लेंगे, सिंपली कूलॉम्स लॉ लगा देंगे क्या, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ये एक्स, देखिए डी एक्स वेरिएबल है ना, हम क्या करते हैं एक्स ले लेते हैं, इसको एक्स वेरिएबल के फॉर्म में ले लेते हैं, बाद में देखेंगे इन्फिनिटी से याद लेकर आ रहे हैं, इसको क्या करते हैं एक्स ही मान लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, एक्स ही मान लेते हैं। एक्स क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब आप यहां से आप लेकर आ रहे थे तो यही डिस्टेंस एक्स बदल रहा है, डिस्टेंस एक्स बदल रहा है, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, हाँ वही डी एक्स है कि इस एक्स वाले पाथ पे छोटा सा लेंथ डी एक्स, एक्स वाले पाथ पे छोटा सा लेंथ डी एक्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस रहेगा यहां पर, तो फाइनल आ जाएगा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा क्या, हाँ या ना? इंटीग्रेशन दोनों साइड हम कर देंगे तो क्या ये कंप्लीट वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा, हाँ या ना? कंप्लीट वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से, तो हम इन्फिनिटी से उसको लेकर आ रहे थे, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे, कहाँ पर पहुंचे, हम मान लेते आर डिस्टेंस तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक्स तो खुद वेरिएबल है ना, हम कह रहे हैं हम एक्स वेरिएबल है, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं आर तक पहुंच रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, आर यहाँ पर लिख दिया। बेसिकली ये जो डिस्टेंस है हम ये आर ही मान रहे हैं इसको, और एक्स क्या वेरिएबल है, ये डिस्टेंस बदल रहा है, आर क्या है फिक्स पॉइंट है कि हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, अब इस सेटअप का पोटेंशियल एनर्जी बताइए, बात समझ ना, हम आर उस क्यू को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, इस सेटअप का पोटेंशियल एनर्जी बताइए जिसके बीच का डिस्टेंस आर है, तो एक्स क्या है सर, एक्स वो वेरिएबल है जो इन्फिनिटी से हम जब इसके पास आ रहे हैं तो बदलता रह रहा है हर एक पॉइंट पर, ठीक है? तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी डी एक्स लगा है तो ये एक्स वेरिएबल है, तो बाकी सारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, तो उसको बाहर कर दिया आपने, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू
इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर, वन बाई एक्स स्क्वायर क्या एक्स पावर माइनस टू लिख सकते हैं क्या डीएक्स? हाँ या ना? ये बताइए इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डीएक्स क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये सिंपल फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एक्स टू द पावर एन की जगह क्या है माइनस टू है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। कोई दिक्कत? लिमिट क्या पुट कर देंगे, तो लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से चलना शुरू किए थे, कहां पहुंचे आर तक पहुंचे। माइनस टू प्लस वन क्या आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस वन को ब्रैकेट से बाहर कर देंगे तो क्या इसको प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ब्रैकेट में एक्स की पावर में क्या आएगा माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन एक्स की पावर माइनस वन यहां पर है, नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वन, तो क्या ये वन बाई एक्स हो जाएगा और इन्फिनिटी टू आर। लिमिट कैसे पुट करते हैं, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इन ब्रैकेट एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट दैट इज वन बाई आर माइनस एक्स की जगह एक बार लोअर लिमिट दैट इज वन बाई इन्फिनिटी। इसे क्या बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा वन बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर, और अभी हमने जस्ट इसके पीछे लिखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सिंपली वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक तो इन्फिनिटी से लेकर आर तक लाने में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर, और के हमारा क्या है वही वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट है जिसकी वैल्यू नाइन और टेन के पावर नाइन है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहां पर आते हैं, इसको भी नोट करिएगा, समझ में आई ये बातें? हाँ या ना? अब यहां पर फिर से एक और चीज, सेम सेटअप लेते हैं, यहां पर सेम सेटअप, प्लस क्यू फिक्स किए हैं, फिक्स क्यों किए हैं कि जब आप इसको लेकर आएंगे तो इसकी वजह से भी इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ये डिस्प्लेस ना हो, जहां पर है वहीं पर रहे वहां पर। फिर आप क्या कर रहे हैं, सेम प्लस क्यू आप लेकर आ रहे हैं, स्मॉल क्यू आप कहां से लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कहां तक लेकर आना चाह रहे हैं तो आर डिस्टेंस तक लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इस पर कैसा फोर्स लगा रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है एफ सी किधर है राइट साइड में, कंजर्वेटिव फोर्स है एफ सी किधर है राइट साइड में। एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे थे टू फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, टू फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये बताइए डिस्प्लेसमेंट अभी भी जब आप उधर से उसको लेकर आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या अभी भी माइनस डी एक्स होगा, हाँ या ना, जो लेफ्ट में होगा जैसे यहां पर लिए थे, ठीक। अब यहां पर अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में थीटा कितना, क्या बताएंगे, क्या ये 180 डिग्री है, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर हम फाइंड करें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर लिखें कुछ ऐसा, तो क्या हो जाएगा फोर्स अप्लाइड बाय कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है माइनस डी एक्स और इंटू कॉस थीटा है, मतलब 180 यहां पर है हमारा, कॉस 180 की वैल्यू कितनी माइनस वन, क्या ये दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसल, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन देंगे, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक देंगे इन्फिनिटी से चले थे आर तक पहुंचे, तो ये हो जाएगा नेट वर्क डन बाय टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा ये एफ सी कितना हमारे पास के, ये सेम एक्सप्रेशन है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स तक लेकर आए, एक्स वेरिएबल है, एक्स बार बार बदल रहा है, वही डी एक्स हमने लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर डी एक्स। कोई दिक्कत? एक्स वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, बाहर मतलब इंटीग्रेशन से बाहर, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर क्या बच जाएगा वन बाई एक्स, वन बाई एक्स क्या लिखेंगे एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स, और अभी इंटीग्रेट किया था हमने इसको, क्या आया था एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये है ना x टू द पावर माइनस टू डी एक्स इंटीग्रेशन क्या था x टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, डायरेक्ट यूज कर ले वहां पर, लिखिए यहां पर देखिए टी हो जाएगा k कैपिटल q स्मॉल q ब्रैकेट में x टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, कहां से कहां तक इंफिनिटी से r तक, माइनस वन बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस k कैपिटल q स्मॉल q ब्रैकेट में वन बाई एक्स इंटीग्रेशन कहां से इंफिनिटी, सॉरी लिमिट इंफिनिटी टू r। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे यहां पुट किए थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद क्या आया था अल्टीमेटली 1 बाय r आया था, क्या डायरेक्टली 1 बाय r लिख दें, ये हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस k कैपिटल q इनटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय r। अब देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एजेंट के द्वारा आ रहा है प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, कैपिटल k इनटू
मतलब के इनटू कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू बाय आर, और कंजर्वेटिव केस क्या रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। और यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो फॉर्मूला भी हमने क्या देखा था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू निगेशन ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर आर तक लाने में। अगर ये निगेशन ये निगेशन देंगे तो क्या दोनों प्लस हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट वापस सेम आ गया, है या ना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर, तो दिक्कत। तो डेरिवेशन आप दोनों से कर सकते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट से भी कर सकते हैं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स से भी कर सकते हैं। नहीं, ये समझाने के लिए थोड़ा सा ये क्लियर हो, उसके लिए थोड़ा सा ब्रॉड होगा ना तो नॉर्मल क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, जब ये सब हर चीज़ें समझे रहेंगे तो ठीक है। सेम आएगा ही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि सेटअप पूरा सेम है ना, तो पोटेंशियल सेम आएगा। अब वर्क डन हमारा ये एक्सटर्नल फोर्स से हो या कंजर्वेटिव फोर्स से हो, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है ना।